सो हेलो गाइस, केम छो? मजा में मैं हूँ जाला प्रीतेश। आपका स्वागत है टेक्निकल एंड मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एम जी जेड एस ई वी की। एंड आपको सभी को पता ही होगा कि जो एम जी जेड एस ई वी अपने प्राइस पॉइंट में बेस्ट ई वी कार मानी जाती है, तो आखिर क्यों एक बेस्ट ई वी कार है, तो इसी वीडियो में हम इसके सारे जो फीचर्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हो आप एंड तक देखेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड इसके एंड में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो कंपटीशन में आते हैं ह्यूंडई कोना, आखिर उसमें क्या अलग मिलता है एंड इसमें आपको क्या अलग मिलता है, उन सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। और आपको ह्यूंडई कोना का अगर वीडियो भी देखना है तो मैंने उसका भी वीडियो है वो रिसेंटली मैंने किया हुआ है, उसका पूरा ड्राइव रिव्यू है, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी बातों की मैंने उस वीडियो में बात की। तो अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन के उसकी लिंक आ ही रही होगी। ऑल दो इस एम जी जेड एस ई वी की रेंज की अगर हम बात करें तो आपको 461 किमी की इसका आपको रेंज मिलेंगे। एंड इसकी बैटरी बैक की अगर हम बात करें तो 15.3 किलोवाट की इसमें आपको बैटरी दिखने को मिलती है। और ह्यूंडई कोना में इससे कम बैटरी पैक आता है लेकिन उसकी रेंज है फिर भी आपको 451 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। तो दोनों में आपको पता चल रही होगा कि क्वालिटी क्या क्या डिफरेंस आ रहा है ह्यूंडई की और एम जी जेड एस ई वी में। तो देखिए, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो 177 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है। एंड यहाँ पे आपको कोई फॉग लैंप नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एयर कटर ही दिया जाता है, कोई फॉग लैंप का जो परस्पेक्टिव होता है ना वो इसमें नहीं दिया गया। एंड इसके प्रोजेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपको फुल एडेसिव सेटअप देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, इसका जो लुक निकल के ना वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है आपको। एंड यहाँ पे देखिए कि जो लाइट के नीचे की एक डिज़ाइन एलिमेंट है ना वो भी आप नज़दीक है देखो तो काफ़ी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन लगता है आपको। इसकी ग्रिल देखें तो आपको कुछ इस तरह से बॉडी कलर ग्रिल देखने को मिलेगी, जो एम जी जेड एस की पुरानी आती थी ना वहाँ पे आपको क्रोम की ग्रिल देखने को मिली, तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी और कंपेयर टू द दिस वन, क्योंकि ये जो ग्रिल आती है नोटला मतलब आपको आई कैचिंग नहीं लगता, दूर से आप जैसे ही देखोगे तो थोड़ी सी मतलब खिलौने वाली गाड़ी जा रही होती ना ऐसी फील आती है आपको। एंड यहाँ पे आपको एम जी का बहुत ही बड़ा बीच में लोगो, यहाँ पे आपको 360 व्यू का कैमरा यहाँ पर दिया जाता है। एंड यहाँ पे आप एम जी जेड एस ई वी को चार्ज कर सकते हैं और ऑल दो आपकी जो बैटरी परसेंटेज कितनी चार्ज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देते, लेकिन फिलहाल ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करके नहीं रखी हुई तो आपको फिलहाल नहीं दिख रहा होगा। एंड इसके चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो आप जो गाड़ी में आपको दिया हुआ है एसी चार्जर उससे अगर आप चार्ज करोगे तो आपको 9 आवर्स में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, लेकिन आप इसे डीसी चार्जर पे चार्ज करोगे तो आराम से एक घंटे में पूरी 100% चार्ज हो जाएगी और आपको मिलेगी 461 किमीज की रेंज। इसके बोनेट के अंडर आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी पैक देखने को मिलेगा, आपको 15.3 किलोवाट्स का आपको बैटरी पैक देखने को मिलेगा और वो प्रोड्यूस करता है 173 bhp ऑफ पावर एंड 280 nm का इसमें आपको टॉर्क देने मिलेगा। एंड ह्यूंडई कोना के टॉर्क की अगर हम बात करें तो आपको 395 mm का उसमें आपको टॉर्क देखने को मिलेगा, लेकिन जेड एस ई वी में आपको सिर्फ 280 nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट पेस में देखिए तो कम है, लेकिन उससे आपकी जो रेंज है वो चलाने में आपकी जो हैबिट है वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा दे देगी ये गाड़ी। एंड यहाँ पे आप देखिए साइक लाइट टेक्नोलॉजी इस हेडलैम्प में यूज़ की गई है। एंड इसके टायर्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन रखा गया है जिससे जो टायर के अंदर है वो एयर ना जाए और इसकी जो रेंज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। एम जी जेड एस यू में ऐसे सारे प्रयास किए गए हैं कि जिसके इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको नॉर्मल एलॉयस इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो पेट्रोल कार्स आते हैं उनमें यही तरह के एलॉयस है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 215x55R17 का इसमें आपको टायर देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट एंड रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। एंड देखिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बेजिंग दी जाती है एंड इसके ORVM से वहाँ पर ही आपको टर्न इंडिकेटर दिए जाते हैं। एंड इसके डोर्स की अगर हम बात करें तो आपको सिल्वर फिनिश में इनके डोर देखने को मिलेंगे। एंड आपको ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड आपको दोनों तरफ रिक्वेस्ट दिए जाते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर डोर पर भी आपको क्रोम की फिनिशिंग दी जाती है। एंड पीछे से बात करें तो कुछ इस तरह से आपको इसका जो
बैक लुक है दिखने वाला है सेम एज आपको एस्टर में जैसा लुक आता है वैसा ही आपको जेड एस वी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एम जी जेड एस वी एक इलेक्ट्रिक है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक बैटरी पैक यूज़ किया गया और जो एस्टर है उनमें आपको पेट्रोल और डीजल इंजन यूज़ किया जाए, दूसरा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है एज अ बॉडी वाइज एज अ चेसिस वाइज, सारी की सारी जो गाड़ी हो एकदम सेम है। आप देख सकें कि इस तरफ आपको पेट्रोल वाली खड़ी और इस तरफ आपको ईवी वाली खड़ी है। एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे बैक लाइट है, यहाँ पे आपको देखें ये जो एलिमेंट है वो चेंज है फ्रॉम द एस्टर, एस्टर में आपको नॉर्मल जो पेट्रोल कार में आता है वैसे डिजाइन देखने में, लेकिन यहाँ पे आपको जो क्रोम है यहाँ पे कट करके बीच में थोड़ी सी यहाँ पे जगह रखी गई है। एंड यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स की अगर हम बात करें तो आपको पीछे 3 पार्किंग सेंसर दिए जाते हैं, और जैसे कि एमजी की सारी गाड़ियों में होता है कि अगर आपको इसका जो बूट ओपन करना हो तो इसे लोगों को प्रेस करना होता है और ऑटोमेटिक ये जो बूट है वो ओपन हो जाता है। एंड इसकी बूट स्पेस की अगर हम बात करें 470 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिले। एंड जो चार्जर है वो आपको कंपनी से ही दिया जाता है एसी चार्जर, एंड आप इसे 9 घंटे में पूरी की पूरी गाड़ी को 0 to 100 चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे रात में 10-12 बजे लगा देंगे, सुबह 8-9 बजे देखेंगे तो ये आराम से आपकी गाड़ी है वो 100% चार्ज कर देगी ये चार्जर। इसके नीचे की अगर हम बात करें तो आपको सेम इंच का एलॉय टायर देखने मिलेगा, एक काफ़ी अच्छा मूव है एमजी की तरफ से कि आपको सेम इंच का टायर और एलॉय व्हील दिया जाए, जिससे आप इसे भी लगा के आप लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपके जो टायर है वो पंचर भी हो जाए तो कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं होती। एंड यहाँ पे अपना कुछ छोटा मोटा सामान रखना हो आप वो यहाँ पे रख सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको छोटा मोटा स्पेस दिया जाता है। और ये जो बूट लीड है वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होता, आपको मैन्युअली हाथ से ही बंद करना पड़ेगा, और इसका जो बूट लीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी, आपको ऊपर करने में और नीचे करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगने वाले है। और यहाँ पे देख सकते हैं ZS EV, यहाँ पे EV के सराउंडिंग आपको ब्लू कलर की बैजिंग दी जाती है, आपको लगेगा ही दूर से आप जैसे ही देखोगे ये ZS EV जा रही है, और ऑल्दो यहाँ पे आपको जो ग्रीन नंबर प्लेट लगाई जाती है उससे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग दी जाती है। यहाँ पे देखें रूफ हेल्स, तो यहाँ से इसकी जो रूफ हेल्स है थोड़ी सी उठी हुई रहती है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है तो इसकी जो हाइट है ZS EV की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है इससे। एंड अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो आपको जैसे कि वीडियो के आगे भी मैंने बताया कि आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट से दिए जाता है। एंड इसका जो फ्रंट लुक है आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर भी सॉफ्ट टच दिए जाते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच दिए जाते हैं, पूरी गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच की कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि कमी ये लग सकती है, क्योंकि सारी जगह आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच यूज़ किया गया। एंड इसके जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों के चारों जो विंडोज़ है आपको पावर मिलेगा, लेकिन कोई भी विंडो आपको ऑटो डाउन के साथ नहीं दिए जाती है। अगर यहाँ पे ड्राइवर को भी ऑटो डाउन का फीचर दिया जाता तो एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती थी। एंड यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल हो इजीली रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपका दूसरा कुछ सामान हो वो भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आप इलेक्ट्रिक वे में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड बैठते इसके अंदर तो कुछ इस तरह से इसका जो पूरा इंटीरियर दिखने वाला ब्लैक कलर का इसमें इंटीरियर रखा गया। एंड यहाँ पे जो स्टिचिंग है पूरे इंटीरियर में देखें कि यहाँ पर भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग दिखने वाली, एंड यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको रेड कलर की ही स्टिचिंग दी जाती है। एंड इसके लेदर स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी है वो हाई रखी गई है, एंड आपको ग्रिप करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पर देखें तो आपको कुछ इस तरह से पूरे डिजिटल स्पीडोमीटर दिखने वाला है। एंड इसकी जो बैटरी है आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी 100% चार्ज है। इको मोड में आपको 419 किमी का आपको रेंज मिलेगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर TFT है, सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखे TPMS हो यहाँ पे दिख रहा है आपको। एंड ऑल्दो आपको मोटर स्पीड वोल्टेज करंट और आपको ट्रिप टू एम्प्टी डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड ट्रिप ए ट्रिप बी ऐसे सारे फीचर्स इसमें आपको उपलब्ध किए जाते हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो सिर्फ आप इसे टिल्ट वे में है जिसका सिर्फ टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता, एंड इस तरफ आपको सारे जो
यहाँ पे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे बटन से वो आपको 10 इंच की बहुत ही बड़ी यहाँ पे आपको स्क्रीन दी जाती है, उससे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सारे बटन दिए जाते हैं। अभी बाद में आएंगे स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे आपको सारे है आपको टर्न इंडिकेटर्स एंड लाइट से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे। एंड ऑल दो यहाँ पे आपको सारे वाइपर से रिलेटेड सारे कंट्रोल इस तरफ देखने को मिले। एंड आप पूछ रहे हो कि इतनी महंगी गाड़ी है तो क्रूज कंट्रोल का है, तो क्रूज कंट्रोल भाई यहाँ है। एंड इसके जो स्टेयरिंग व्हील है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रिप करने में या लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगे कि जो MG ZS है कहीं पर भी आपको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट से ऊपर भी आपको प्रॉपर यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया जाता है। एंड सॉफ्ट टच देखिएगा कितना मतलब इतना सॉफ्ट है कि आपका जैसे आप टच करोगे ना आपको लगे कि नहीं भाई मैं एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गाड़ी में बैठा हूँ। आपको यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके के वहाँ तक आपको पूरा है सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया। एंड यहाँ पे नीचे भी देखें तो यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है, लेकिन हाँ सीट में जैसे फैब्रिक आता वैसा ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पे आपको रेड कलर की स्टिचिंग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको होल्ड करने के लिए भी यहाँ पे सॉफ्ट टच ही दिए जाते पूरे कॉकपिट में। एंड यहाँ पे जो हेड आर्मरेस्ट है उसके नीचे आपको कुछ इतना आपको स्पेस मिलेगा। एंड यहाँ पे जैसे कि आप दो कप होल्डर्स देख रहे हैं उसे आपको बंद करने के लिए भी काफ़ी यूनिक टच दिया जाता है। देखिए अब जैसे ही बंद कर दोगे पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड का भी यहाँ पे आपको फीचर दिया जाता है। यहाँ पे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विथ नॉब के साथ आएगा आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देने वाला है। एंड यहाँ पे आपको मोड सिलेक्टर्स एंड केयर्स का मतलब काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम, जो आप मतलब नॉर्मल वे में कहे तो आपको रीजनरेशन लेवल भी कह सकते हैं आप। इनमें तीन मोड आते हैं, एक लेवल वन करेंगे तो 25% इंक्रीज हो जाएगा इसके रीजनरेशन, एंड इसे लेवल टू पे करोगे तो 50% इसे रीजनरेशन चले जाएगी। एंड लेवल थ्री करेंगे वैसे आपके जो इसका रीजनरेशन लेवल है आपको 75-80% इसके जो रीजनरेशन लेवल है वो हो जाएगा। एंड एक्चुअल में आप इसे यूज़ करोगे तो आपकी जो रेंज है वो कई ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड यहाँ पे आपको 10 इंच की आपको बहुत ही बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन देखने को मिलेगी। एंडिंग में आप एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो ये सारी चीज़ें आप वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा हूँ कि कहाँ पर एसी के कंट्रोल नहीं दिए जाते, तो भाई यहाँ पे आपको जो एसी के कंट्रोल है आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे एसी के कंट्रोल के लिए आपको शॉर्टकट भी दिए जाते हैं, आप एसी ऑन ब्लोअर आप फुल करना वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फैन की स्पीड है वो भी आप यहाँ से ही इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इसकी कीज़ की अगर हम बात करें कुछ इस तरह से आपको कीज़ दी जाती है MG ZS EV में, सेम में आती वैसे ही आपको ZS EV में की दी जाती है। लॉक अनलॉक एंड इसे होल्ड कर रखे तो आपका जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखे तो आपको जो IRVM हो वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। अब 29 लाख ले रहे हो तो यार भाई ये IRVM है, एटलीस्ट आप ऑटोमेटिक तो लोगे ही। एंड सबकी फेवरेट भाई पैनोरामिक सनरूफ, और कुछ देखे तो कितनी खुलती है वो देख लेते हैं। अमाउंट में जो आपके पैनोरामिक सनरूफ पे खुल जाएगी काफ़ी अच्छी वाइल्ड खुल जाती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अगर बाहर भी निकलना हो तो यहाँ पर यहाँ से फुट रख के निकल सकते हो, और पीछे भी आप इजीली पीछे वाले सीट से भी जो पैनोरामिक सनरूफ है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके ग्लव बॉक्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस अमाउंट में आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स है वो आपको फुल ग्लव बॉक्स नहीं दिया जाता, यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्मली ग्लव बॉक्स दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक बैटरी का शॉर्टकट दिया जाता है जिससे आप देख सकते हैं प्रॉपर कि आपकी गाड़ी में है कितनी रेंज बच रही है, कितना आपने चार्ज किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे दी जाती है। एंड इसके 360 व्यू की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका 360 व्यू के कैमरा की क्वालिटी है, तो देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब है इसकी कैमरा क्वालिटी। आप MG से एक यही एक डिसअपॉइंटमेंट है कि इसके जो कैमरा क्वालिटी है उतना मतलब बेंचमार्क नहीं सेट करके आपको देखने में भी दिन में भी कुछ इस तरह से व्यू देखने को मिलेगा, तो रात में तो भाई इसके जो पिक्सल वो तो काफ़ी ज़्यादा फट ही जाते हैं। MG ZS EV ने
ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लाई है, क्योंकि जो एस्टर भी है वही यही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, तो दोनों गाड़ी के जो सेफ्टी रेटिंग है वो सेम ही है। एंड ऑल दो इसके जो बिल्ड क्वालिटी है, इंटीरियर क्वालिटी है, डोर थर्ड है, बोनेट थर्ड है, उसका जो वेट भी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, तो आपको सेफ्टी वाइज तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली ZS EV। तो चलिए अब बात करते हैं रियर स्पेस की, आपको रियर में ZS EV में कितना स्पेस मिलता है। तो ऑल दो देखते हैं कि आपको ये जो सीट है वो मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर लूँ तो पीछे आपको कितना स्पेस मिलेगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो सारे डोर्स है, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में भी, कि आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया जाता है। एंड यहाँ पे जो रियर डोर है कुछ इस तरह से दिखने वाला, सेम एज द फ्रंट डोर, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच पूरे डोर में दी जाती है। एंड यहाँ पे 1 लीटर की जो बोतल है आपको यहाँ इजीली रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको थर्ड रो के लिए तीनों के तीनों जो हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलेगा विद द आर्म रेस्ट। तो चलिए बैठते हैं इसके अंदर। तो कुछ इस तरह से आपको आगे का क्नी स्पेस एंड अंदर साइड सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, आपको कोई बैठने में दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे हेडरूम की अगर हम बात करें तो वो आपको काफ़ी सफिशिएंट मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे जो कप होल्डर्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ऐसे करके बंद भी रख सकते हैं, तो आपको जो कप होल्डर्स उसमें कोई धूल बूल भी नहीं जाएगी। एंड यहाँ पे कप होल्डर्स है उसे होल्ड करने के आप यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच भी दिया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखें तो आपको आइसोफिक्स स्टाइल सीट है वो आपको दोनों सीट में देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको तीनों के तीनों पैसेंजर के लिए प्रॉपर सीट बेल्ट भी उपलब्ध किए जाते हैं। एंड यहाँ पे जो पैनोरामिक सनरूफ है उसके वजह से जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे तो आपको लगेगा कि आप बड़ी गाड़ी में बैठे हो और आपको खुला खुला फील होगा। और यहाँ पे आप देखें तो आपको रियर एसी वेंट, यहाँ पे आपको USB टाइप ए, एंड यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB पोर्ट दिया जाता है। अगर यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट होता तो काफ़ी अच्छा होता है। एंड पीछे 3 लोगों के बैठने की बात है तो आराम से भाई, अगर हेल्दी भी बंदे पीछे बैठेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आ, आराम से तीनों के तीनों बंदे वो लॉन्ग ट्रिप पे भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ZS EV में आपको कहीं पर भी पीछे से लॉक या अनलॉक करने की चीज़ नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी तो सारे के सारे जो डोर्स है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। यहाँ पे जो ड्राइवर साइड है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ सेंट्रल लॉकिंग दी जाती है, वरना आपको किसी के डोर के देखे तो यहाँ पे आपको कोई लॉक का मैकेनिज्म नहीं दिया जाता। कंक्लूजन की क्या आपको MG ZS EV वो लेनी चाहिए नहीं कम्पेयर टू द Hyundai Kona, क्योंकि Hyundai Kona भी काफ़ी अच्छे आपको फीचर देखने को मिला। जो फीचर्स की बात निकली गई तो मैं बता दूँ, ZS EV में आपको वेंटिलेटर सीट नहीं दिए जाते, कोना में आपको वेंटिलेटर सीट दिए जाए। एंड कोना जो है MG ZS EV थोड़ी सी इकोनॉमिकल है, आपको इसकी जो कोना की प्राइस है वो थोड़ी कम है कम्पेयर टू द ZS EV। एंड बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो आपको कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में आपको अच्छी खासी से टच मटेरियल दिए जाते हैं, इनके और इंटीरियर क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, सेफ्टी भी अच्छी है। दोनों की रेंज की अगर हम बात करें तो आपको कोना में 452 किमी का आपको रेंज मिलेगा, एंड आपको ZS EV में 461 किमी की रेंज मिलेगी। एंड चार्जिंग टाइम भी है उन आप देखें तो Hyundai Kona में कम है कंपेयर टू दिस, क्योंकि उसमें 39.2 किलो वोल्ट की बैटरी यूज़ की गई। एंड ZS EV में आप देखें तो आपको 15.2 किलो वोल्ट की बैटरी यूज़ की गई, तो कोना है वो चार्जिंग करने में कम टाइम लेती है और जो ZS EV है वो 9 घंटे लेती है चार्ज करने में पूरी पूरी। ऑल्दो DC चार्जर में दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सेम टाइम पे पूरी पूरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन आप AC चार्जर की अगर हम बात करें तो जो Hyundai Kona है वो फास्टर चार्ज हो जाती है कंपेयर टू द ZS EV, लेकिन इसकी जो इंटीरियर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है। एंड ये एक क्या है तो फीचर रिच गाड़ी कह सकते हैं, क्योंकि कोना में आपको 8 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी टच स्क्रीन दी जाती है। यानी जो कोना है उसमें आपको कोई 360 व्यू नहीं मिलता, लेकिन आपका आपको 360 व्यू देखने को मिलेगा ZS EV में, बट इसकी जो 360 का है तो मतलब ना के बराबर ये कोई आपको कोई क्वालिटी वाइज तो देखे तो कोई आपको मज़ा नहीं आने वाला है। एंड हाँ, एक बहुत ही बड़ा फीचर है जो आपको कोना में नहीं दिया जाता वो है पैनोरामिक सनरूफ, और ZS EV में भाई पैनोरामिक सनरूफ जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं आपको प्रॉपर बहुत ही बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दी जाती है, एक बहुत ही बड़ा फीचर जो कोना में मिस आउट हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, वीडियो देख रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
एंड स्पेशल थैंक्स टू कॉन्सेप्ट एमजी अंबावाड़ी। आपको एमजी ZACV से रिलेटेड कोई सी भी इंक्वायरी या फिर आपको एमजी के कोई सी भी कार से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप कॉन्सेप्ट एमजी पे आ सकते हैं, उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड आपको आपको स्पेशल डिस्काउंट भी कॉन्सेप्ट एमजी में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे टेक्निकल एंड मोटर्स के सब्सक्राइबर हो तो आपको बेस्ट डील एंड गाड़ी है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।